भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी लाते हुए मंगलवार से रायपुर में संसदीय चुनाव कार्यालय शुरू कर दिया है। हालांकि अभी प्रत्याशी तय नहीं हुए हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने वर्तमान सांसद सुनील सोनी, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, टंकराम वर्मा के साथ रायपुर में मोतीबाग चौक स्थित डागा भवन, पुराना जिला जनसंपर्क दफ्तर कार्यालय का उद्घाटन किया। अशोक बजाज जी रायपुर लोकसभा क्षेत्र के संयोजक, सम्माननीय अनुज शर्मा जी विधायक धरसीवा, सम्माननीय इंद्र कुमार साव जी विधायक अभनपुर, सम्माननीय गुरु खुशवंत साहेब जी विधायक आरंग, सम्माननीय श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, भैया पुरंदर मिश्रा जी विधायक रायपुर ग्रामीण, सम्माननीय मोतीलाल साहू जी विधायक, डॉक्टर सनम जांगड़े जी जिला अध्यक्ष जिला बलौदाबाजार भाटापारा, सम्माननीय जयंती भाई पटेल जी जिला अध्यक्ष रायपुर शहर, भैया संदीप शर्मा जी रायपुर लोकसभा के प्रभारी, इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, रायपुर लोकसभा क्षेत्र से आए हुए सभी हमारे जिला मंडल के पदाधिकारी, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इस समय आह्वान करता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब कार्यकर्ता मिलजुल करके जी जान से काम करेंगे और रायपुर लोकसभा सीट को ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय दिलाएंगे। ये हमारा संकल्प है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान के लिए बहुत से काम किए हैं, बहुत से योजनाएं लागू की है। उसी योजनाओं को लेकर के हमने पिछले विधानसभा चुनाव में गांव गांव घर गए हैं, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। महतारी वंदन योजना, दो वर्ष के किसानों का बोनस, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास जैसे अनेक योजनाएं हैं जिसका मूर्त रूप अभी देखने को मिल रहा है। हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन योजनाओं का क्रियान्वयन तुरंत किया गया है, जिसका सुखद परिणाम अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। हम सब मिलकर के जी जान से काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज भारतीय जनता पार्टी के रायपुर लोकसभा के कार्यालय के उद्घाटन में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में उपस्थित हैं, उनका तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे लोकसभा के सांसद लगभग मुख्यमंत्री जी का जैसा स्वभाव है, वैसे ही स्वभाव वाले हमारे सुनील सोनी जी का भी आप तालियां बजाकर अभिनंदन करें। सरल सीधे मृदुभाषी हमारे मंत्री साथी भाई टंकराम वर्मा जी, हम सबके मार्गदर्शक और पूर्व संगठन मंत्री आदरणीय राम प्रताप जी, आदरणीय गौरी शंकर भैया, आदरणीय अशोक बजाज जी, शिवरतन शर्मा जी, संदीप शर्मा जी,